हेलो डियर, आप सभी का स्वागत है अशरफ रज़ा यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ाऊंगा। इस चैप्टर में जितना भी कॉन्सेप्ट है, ऑल कॉन्सेप्ट को इसी वीडियो में बहुत ही आसान भाषा में समझाऊंगा। एंड आई होप ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा, इंशाल्लाह आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लोगे। और सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ये वीडियो ही काफ़ी है। ओके, स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है पहले ये थोड़ा जान लें। सबसे पहले मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ाऊँगा, क्योंकि उसी से रिलेशन डिफाइंड है। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट पढ़ाऊँगा, फिर उसके बाद रिलेशन क्या है, उसके टाइप्स कौन कौन हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, फिर उसके बाद इक्विवेलेंस रिलेशन, फिर फंक्शन क्या है, उनके कौन कौन टाइप्स है, वन वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इनटू फंक्शन, फिर कॉम्पोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन, एंड लास्ट बाइनरी ऑपरेशन। इस चैप्टर में बस इतना ही पढ़ना है, बस रिलेशन, उसके टाइप्स, फिर फंक्शन, उसके टाइप्स, फिर कॉम्पोजिट फंक्शन है, इनवर्स फंक्शन एंड बाइनरी ऑपरेशन। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट स्टार्ट करते हैं। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट स्टार्ट करते हैं। मतलब दो सेट दिया, सेट ए और सेट बी। सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, और सेट बी में 3 5। जब ये दोनों का ए क्रॉस बी करेंगे तो ये भी एक सेट होगा, लेकिन उसमें जो ऑड एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा, 1 3 1 5 ऑर्डर पेयर में होगा। तो किसे कैसे इसको ए क्रॉस बी करते हैं, तो ए क्रॉस बी, तो ए का एलिमेंट ये है, 3 का ये है। तो यहाँ ध्यान से देखें, इसमें सबसे पहले पहले देख लेते हैं इसका क्या है, इसका कॉन्सेप्ट है। जब ए क्रॉस बी पूछे तो उसको कैसे लिखना है, स्मॉल ए और स्मॉल बी। स्मॉल ए डिनोट करा है सेट ए से, स्मॉल ए क्या एक एलिमेंट है, किससे होना चाहिए, सेट ए से, और स्मॉल बी वो भी एक एलिमेंट है, वो किससे हो, सेट बी से। तो यहाँ पे अच्छी तरह समझते हैं ए क्रॉस बी क्या है। ए क्रॉस बी यहाँ पे ए में सेट ए सबसे प्लेन है, सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है। सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट 1, सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, तो 1 3 1 5, ओनली 1 3 1 5। फिर सेट ए से सेकेंड एलिमेंट लेंगे और सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखेंगे, तो 2 3 2 5। फिर उसके बाद सेट ए से 3 एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट 3 है, 3 को सेट बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, 3 3 3 5, यही है ए क्रॉस बी। ओके, अब बी क्रॉस ए देखते हैं क्या है, बी का एलिमेंट क्या है, 3 5, और ए का एलिमेंट 1 2 3। तो यहाँ पर सबसे पहले बी है, तो बी का एलिमेंट, बी का फर्स्ट एलिमेंट 3, तो ए के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, 3 1 3 2 3 3। फिर बी का सेकेंड एलिमेंट 5, 5 को ए के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, तो 3 1 5 सॉरी 5 1 5 2 5 3। समझ गए ना, जब दो सेट दिया रहा है, सेट ए और सेट बी, जब ये दोनों का ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, वो भी एक सेट ही होगा, लेकिन उसका जो एलिमेंट होगा वो ऑर्डर पेयर में होगा। ए क्रॉस बी कैसे करते हैं, पहले ए क्रॉस बी, ए का फर्स्ट एलिमेंट लेकर बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, फिर उसके बाद ए का सेकेंड एलिमेंट को लेकर बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, फिर उसी का जब तक ख़त्म ना हो जाए, 3 का फिर बी के सभी एलिमेंट के साथ। उसी तरह जब बी क्रॉस ए निकाले, सबसे पहले बी आया, तो बी का फर्स्ट एलिमेंट ए के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है, फिर 5 को इसके एलिमेंट के साथ लिखना है। समझ गया ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं। और एक यहाँ पे याद रखें, जब दो सेट दिया, जब उसका ए क्रॉस बी निकालते हैं और फिर बी क्रॉस ए, ये दोनों कभी एक बराबर नहीं होते हैं, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट इज नॉट कम्यूटेटिव, ये दोनों कभी बराबर नहीं होते हैं, ये याद रख लीजिएगा। ओके, आप कार्टेशियन प्रोडक्ट का एक थोड़ा एक कॉन्सेप्ट समझ लें, कि जब दो सेट दिया रहेगा, जब वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, जो भी ऐसे ए क्रॉस बी निकाले, ये सब टोटल कैसे एक बार पता कर सकते, कौन से फॉर्मूला से।
बगैर निकाले। मान ले दो सेट ए दिया, सेट बी दिया, जब ये दोनों का ए क्रॉस बी निकालते हैं तो इस तरह का आता है, तो फिर से काउंट करना पड़ता है 1 2 3 4 5 6। बगैर ए क्रॉस बी निकाले टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकाल सकते हैं, ये बता रहा है। जब दो सेट इफ ए एंड बी आर टू फाइनाइट सेट, देन एन ए क्रॉस बी क्या होगा, तो एन ए एन बी, ये जो लिखा रहता है एन ए, इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, सेट ए में टोटल एलिमेंट कितना है, उसको ऐसे डिनोट करते हैं एन ए। यहाँ पे सेट ए दिया कितना, उसमें कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, टोटल एलिमेंट कितना है, 3 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ सेट एलिमेंट इन सेट ए कितना हो जाएगा, डेट इज एन ए 3। सेट बी दिया, उसमें टोटल एलिमेंट कितना है, 2, तो इसका फॉर्मूला क्या है, एन ए इंटू एन बी। तो जब दोनों को यहाँ पे देखे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक सेट ए क्रॉस बी अभी निकाले नहीं, बाद में इसको देखेंगे, 1 मिनट। ए क्रॉस बी ये क्वेश्चन दे दिया, सेट ए नंबर ऑफ एलिमेंट इतना, सेट बी नंबर ऑफ एलिमेंट भी इतना, फॉर्मूला पे गए तो एन ए क्रॉस बी क्या होगा, एन ए इंटू एन बी, तो एन ए कितना है, 3, एन बी कितना है, 2, तो जो दोनों का मल्टीप्लाई किए 6, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना आ गया, ए क्रॉस बी में 6 आ गया। जैसे आप निकाल कर भी यहाँ देख लें, यहाँ पे ए क्रॉस बी कैसे निकाले हैं, ए का सबसे फर्स्ट एलिमेंट 1, 1 के साथ बी का सभी एलिमेंट होना चाहिए, 1 3 1 5 है, फिर फर्स्ट सेकेंड एलिमेंट सेट ए का 2, 2 के बी के सभी एलिमेंट के साथ हो, 2 3 2 5, फिर 3 3 का 3 जो एलिमेंट है बी के सभी एलिमेंट के साथ हो, 3 3 3 5, तो टोटल देखो कितना है इसमें एलिमेंट है, 1 3 1 हो गया, 2 3 4 5 है, टोटल एलिमेंट 6 है कि नहीं, ये बगैर निकाले बगैर ए क्रॉस बी निकाले ये पता कर सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा ए क्रॉस बी करने पर। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू एन ए एन बी, इस टाइप का क्वेश्चन दे देगा, सेट ए सेट बी, कुछ एलिमेंट इसमें कुछ एलिमेंट इसमें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछेगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होगा, ए क्रॉस बी क्या होगा। ओके ओके, आप रिलेशन स्टार्ट करते हैं। ओके रिलेशन स्टार्ट करते हैं, रिलेशन क्या है, आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया तो अब रिलेशन समझने में काफ़ी आसान होगा, तो ये डिफिनेशन आपने किताब में तो देखा ही होगा, पढ़ लीजिए, मैं बता रहा हूँ अपनी लैंग्वेज में रिलेशन क्या है। कोई भी मान ले रिलेशन आर इज रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, क्या है रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, रिलेशन आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसको सबसेट बोलते हैं। आर रिलेशन कब होगा, जब उसमें रिलेशन में जो भी एलिमेंट है वो किसका सबसेट होना चाहिए, ए क्रॉस बी का। तो सबसेट क्या होता है थोड़ा ये जान लें, बस 1 मिनट में डिस्कस करता हूँ, ये फिर आएंगे रिलेशन पे। मान लें एक सेट दिया, सेट ए और सेट बी, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट दिया, 1 2 3, सेट बी में 2 3 4 और 1 5, तो इसमें ध्यान से देखिए ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, इसमें जो जो एलिमेंट है वो बी में है, 1 1 यहाँ पे है, 2 2 बी है, 3 3 बी है, मतलब ए का सारा एलिमेंट बी में है। तो क्या जब ए का सारा एलिमेंट बी बी में हो तो क्या बोलते हैं, ए इज सबसेट ऑफ बी, ए का सारा एलिमेंट बी में है तब तो कहा जाता है ए इज सबसेट ऑफ बी। फिर यहाँ पे ध्यान दें बी में कौन कौन एलिमेंट है, 2 3 4 1 5, वो ए में है, 1 2 3 तो इसमें है, 1 2 3 4 5 तो ए में नहीं है, मतलब बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, मतलब बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए, इसको नहीं बोलेंगे, इसको ये नहीं बोल सकते बी इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि बी का सारा एलिमेंट ए में नहीं है, 4 5 है, इस 4 5 नहीं है। और सेकेंड क्वेश्चन है, जैसे ए है, ए में कौन कौन एलिमेंट है, 1 2 3, बी में 2 3 1, तो देखो ए का सारा एलिमेंट बी में है, 1 2 3 है, 1 2 3 इसमें भी है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी, और यहाँ पे बी का भी सारा एलिमेंट ए में है, मतलब बी भी होगा ए का सबसेट, बी इज सबसेट ऑफ ए, मतलब समझ गए कि जब भी दो सेट दिया है अगर सेट ए का बी में सारा एलिमेंट हो तो क्या आप उसको कैसे बोलेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी, और जब बी का सारा एलिमेंट ए में हो तब बोलेंगे बी इज सबसेट ऑफ ए, अगर नहीं है तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। ओके आप रिलेशन में चलते हैं,
और रिलेशन मान ले एक रिलेशन एक सेट दिया है वन वन, सेट में कौन कौन एलिमेंट है वन टू और सेट बी में ए बी सी। जब इसका ए क्रॉस बी निकालेंगे तो कितना हुआ, सेट ए का फर्स्ट एलिमेंट वन है, वन के बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है वन ए वन बी वन सी। उसी तरह सेट ए का सेकेंड एलिमेंट टू है तो बी के सभी एलिमेंट के साथ लिखना है टू ए टू बी टू सी, ए क्रॉस बी इतना निकला। एक रिलेशन दिया रिलेशन आर, उसमें कौन कौन एलिमेंट है वन ए और वन सी। देखिए वन ए और वन सी ए क्रॉस बी में है वन ए यहाँ है और वन वन सी यहाँ है। इसका सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी में है, मतलब ये रिलेशन है, ये डिफाइंड हो गया रिलेशन। रिलेशन के लिए तो ये देखना है कि रिलेशन में जो भी एलिमेंट है वो ए क्रॉस बी का सबसेट होना चाहिए। तो यहाँ पे आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, इसलिए आर जो दिया है वन ए वन सी रिलेशन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेट ए दिया वन टू फोर और सेट बी दिया फोर सिक्स। एक रिलेशन दिया है वन फोर वन सिक्स टू फोर टू फोर टू सिक्स फोर सिक्स। तो ये रिलेशन है कि नहीं, ये रिलेशन है कि नहीं, सबसे पहले तो ए क्रॉस बी निकालना होगा। तो ए क्रॉस बी तो बार बार ऐसे तो नहीं निकाल सकते ए क्रॉस बी, बस चेक कर सकते कि हाँ ए क्रॉस बी का एलिमेंट सब है। वो कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले ध्यान दे ऑर्डर पे ध्यान दे, वन फोर वन सिक्स टू फोर सब दिया ना, तो ऑर्डर पे का सभी फर्स्ट एलिमेंट देखे क्या है वन, इसमें भी वन टू टू फोर, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है सेट ए में देखे सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है वन, इसमें भी सेट ए से वन, इसमें भी सेट ए से बिलोंग कर रहा है टू बी, यहाँ भी टू फोर भी। तो अब सेकेंड एलिमेंट देखेंगे सेकेंड, इसमें फोर है सिक्स है फोर है सिक्स है, ये सब सेट बी से बिलोंग कर रहा है फोर सिक्स इसमें है सर, मतलब ए क्रॉस बी करने ए क्रॉस बी का ही एलिमेंट ये है। बाबा ऐसे करके चेक नहीं करेंगे ओके। तो यहाँ पे डटे में बगैर निकाली यहाँ पे निकाल करके बताया कि वन ए वन सी का सारा एलिमेंट इसमें है, इसमें तो निकाले नहीं, जान गए कि इससे भी ए क्रॉस बी करने पर आता है। इतना कैसे चेक करना है, फर्स्ट एलिमेंट सबका देखेंगे इससे बिलोंग कर रहा है कि नहीं, सेकेंड एलिमेंट इसमें जो है सिक्स सिक्स फोर सब सेट बी से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। मैंने बताया था ए क्रॉस बी करने पर क्या ए बी में होगा, स्मॉल ए और स्मॉल बी, स्मॉल एक एलिमेंट है किसे किससे बिलोंग करता है सेट ए से, स्मॉल बी सेट बी से ओके। तो मतलब ये सबसेट है, ये सारा एलिमेंट ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये रिलेशन होगा। अब कोई भी एक रिलेशन दे देगा तो उसका डोमेन और रेंज कैसे पता करते हैं ओके, ये देखते हैं आप। डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, एक रिलेशन मान लो एक सेट दिया सेट ए और सेट बी दिया है, एक रिलेशन डिफाइन किया है ए रिलेटेड बी, यानी वन कोमा में तो लेना फर्स्ट एलिमेंट ए होना चाहिए सेकेंड एलिमेंट बी होना चाहिए, मगर इस तरीके से होना चाहिए कि बी ए से छोटा हो, इसे वन थ्री ए यहाँ पे वन है बी थ्री है, तो ए बी से कम है कि नहीं वन थ्री वन सिक्स टू थ्री टू सिक्स थ्री सिक्स ओके, मगर ए सेट ए का ही सब एलिमेंट होना चाहिए। देखिए फर्स्ट एलिमेंट वन वन टू थ्री थ्री सब फर्स्ट एलिमेंट ए सेट ए से है, सेकेंड वाला जो थ्री सिक्स थ्री 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 सिक्स सेट बी से है, मतलब ये रिलेशन है। तो एक मान लें इसे आपको दे देगा, निकालना नहीं पड़ता रिलेशन, मान लें एक रिलेशन दे दिया आर ये, तो इससे बताना है कि डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होगा, रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा। तो यहाँ पे डोमेन ऑफ रिलेशन क्या होता है, फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर पेयर, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट कंपोनेंट वो होता है डोमेन, वन थ्री से वन क्या है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट कंपोनेंट ऑर्डर पेयर का, वन थ्री थ्री में क्या है सेकेंड कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का। याद रखना डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है किसी भी रिलेशन का, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन हो गया और सेकेंड कंपोनेंट रेंज। इसी रिलेशन में देखें वन थ्री वन सिक्स टू थ्री टू सिक्स थ्री सिक्स में डोमेन ऑफ आर क्या है, मतलब रिलेशन का डोमेन क्या है, तो फर्स्ट कंपोनेंट देखें वन है वन है, और दो बार लिखा है मतलब एक ही बार लेना है, वन वन मतलब वन तो है वन लिख दिया, टू टू दो बार हम एक ही बार लिखेंगे टू और थ्री, तो वन टू थ्री रिलेशन हो गया। रेंज में सेकेंड कंपोनेंट देखेंगे थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स थ्री सिक्स, दो बार मगर दो बार लिखना नहीं है एक ही बार लेना है, तो थ्री सिक्स। और सेकेंड क्वेश्चन देखें सेट ए में एलिमेंट टू थ्री फाइव है और सेट बी में फोर सेवन टेन एट, तो एक रिलेशन डिफाइंड किया है कैसे करके कि बी जो है ए से डिवाइड हो, ए रिलेटेड बी इस तरह से लेना है,
ऑर्डर पे हमें लेना है कि बी जो है ना ए से डिवाइड हो, मैं जो भी एलिमेंट लेना है ए और बी से ही लेना है। तो सबसे पहले ए से लिए, सबसे पहले ए रिलेटेड भी यदि ए का फर्स्ट एलिमेंट 2 लेंगे, बी का कौन एलिमेंट लेंगे कि डिवाइड हो जाए उससे 2 से, तो 4 10 लिखे, उसके बाद 2 8 ये सब देखा सब डिवाइड है कि नहीं, 5 से 10 जो है 5 से डिवाइड है, 8 2 से डिवाइड है, 10 जो 2 से डिवाइड है, 2 4 से जो डिवाइड है उसी को लेना है रिलेशन में। ओके तब इसका पूछ रहा है वैसे जब आपको बस रिलेशन दे देगा, ये भी रिलेशन देगा दे देगा, और इसमें फाइंड करना रहेगा रिलेशन डोमेन क्या और रेंज क्या है। तो फर्स्ट कंपोनेंट 2 2 2 5 ही है, 2 5 रेंज देखे क्या, सेकेंड कंपोनेंट 4 है, 10 है, 8 एफ 10 है, 4 10 8 रेंज हो गया। आई होप आप समझ गए होंगे डोमेन कैसे निकालते हैं और रेंज कैसे निकालते हैं जब रिलेशन दे दिया। ऐसे रिलेशन भी बनाने के लिए बोलेगा तो आराम से बना सकते हैं। इस तरह यहाँ पे देखें ए रिलेटेड बी लेना है, बी से छोटा है, यानी एक वो एलिमेंट लेना है जो बी से कम हो, उसे डिफाइन करते हैं। यहाँ पे क्या है, बी जो ए से डिवाइड हो ऐसा लेना है, 2 4 4 2 से डिवाइड है, 2 10 10 जो 2 से डिवाइड है, ऐसे करके डिफाइन करते हैं रिलेशन। ओके आप टाइप्स ऑफ रिलेशन देखते हैं, टाइप्स ऑफ रिलेशन कितने तरह के होते हैं। फर्स्ट जो होता है रिफ्लेक्सिव होता है, सेकेंड ट्रांजिटिव, सेकेंड सिमेट्रिक, थर्ड ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं क्या है। रिफ्लेक्सिव मान लो एक सेट दिया रहेगा, और सेट एक सेट दिया रहेगा, मान लो सेट ए 1 2 3 एक रिलेशन दिया देगा, रिलेशन जो होना चाहिए सेट ए का जो एलिमेंट है 1 2 3 सब का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। जैसे 1 2 3 फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो 1 1 2 2 3 3 कम से कम ये होना चाहिए, सभी एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए 1 1 2 2 3 3। तो ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। मान ले एक सेट ए दिया रिलेशन, मान ले दो सेकेंड रिलेशन 1 1 2 2 थर्ड एलिमेंट 3 का 3 के साथ नहीं है ऑर्डर पेयर, मतलब ये रिलेशन नहीं होगा। फिर थर्ड रिलेशन देखते हैं 1 1 2 2 3 3 क्या आप इसने बताया, रिफ्लेक्सिव तभी होगा कोई भी सेट का सभी एलिमेंट खुद के साथ ऑर्डर पे होना चाहिए। 1 2 3 है सभी के साथ है 1 1 2 2 3 3 मतलब ये रिफ्लेक्सिव होगा, भले इसके बाद कुछ भी हो 1 3 3 1 हो कम से कम रहना चाहिए। जो भी सेट के अंदर एलिमेंट जो दिया है उसका खुद के साथ उस रिलेशन में ऑर्डर पे होना चाहिए, तभी वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा। लेसन 4 देखते हैं 1 1 3 3 2 1 3 2 इसमें 1 1 है, 3 3 भी है, मतलब एलिमेंट यहाँ पे सेकेंड भी है मगर उसका तो 2 2 तो नहीं दिया है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो याद रखना रिफ्लेक्सिव तभी होगा जब ए रिलेटेड ए होना चाहिए, यानी जो भी कम से कम इतना होना चाहिए, कोई भी सेट दिया उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है जितना भी एलिमेंट है उसका खुद के साथ ऑर्डर पे होना चाहिए 1 2 3 मतलब 1 1 2 2 3 3 ये होना चाहिए। और 1 2 3 4 दे दिया है तो उस रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 4 4 होना चाहिए। और यहाँ पे एक याद रखें ऐसे एक रिलेशन डिफाइंड है 1 1 2 2 3 3 एक सेट दिया है सेट का सभी, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, इसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। कोई सेट दिया है उस सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर बस उतना ही हो वो आइडेंटिटी रिलेशन कहलाता है। हम अगर यहाँ पे देखें ये भी तो एक रिफ्लेक्सिव है 1 1 2 2 3 3 मगर ये आइडेंटिटी नहीं है, एक्स्ट्रा 1 3 2 1 आ गया। ओके रिफ्लेक्सिव के लिए क्या याद रखना है, कोई भी सेट दिया हो उसके अंदर जो जो एलिमेंट है कम से कम उसका खुद के साथ ऑर्डर पेयर हो। आप सिमेट्रिक देखते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, मान ले एक रिलेशन ए रिलेटेड बी है अगर तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए, ऐसे 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। कोई भी एक रिलेशन दिया है उस रिलेशन में जो भी एलिमेंट होगा उसका उल्टा होना चाहिए, अगर ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए। मान ले सेट ए दिया है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है 1 2 3 4 और कोई भी रिलेशन डिफाइंड होगा इसी सेट के एलिमेंट से। मान ले एक रिलेशन आर दिया है इसमें 1 3 है, 1 4 है, 3 1 है, 4 1 है, ये रिलेशन सिमेट्रिक हुआ कि नहीं तो कैसे पता करना है, इसमें जो जो एलिमेंट है उसका उल्टा होना चाहिए। जैसे 1 3 3 1 है इसमें 1 3 3 1 है, चलिए ठीक है, उसके बाद 1 4 है, 1 4 है मतलब इसका 4 1 है, ए रिलेटेड भी 1 3 3 1 भी है, 1 4 है तो 4 1 भी है, मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन है। मान ले सेकेंड रिलेशन है तो 1 1 2 2 3 3
और वन वन लिखा है तो इसका उल्टा भी क्या होगा, वन वन ही होगा, मतलब यही हो गया कोड। टू टू लिखा है इसका उल्टा भी क्या होगा, टू टू ही होगा, थ्री थ्री होगा। मगर वन थ्री जो लिखा है, वन थ्री का थ्री वन तो इसमें नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा। थर्ड रिलेशन देखते हैं, वन थ्री है तो थ्री वन होना चाहिए, थ्री वन है। वन फोर है, फोर वन होना चाहिए, सही है। टू टू है तो टू टू का टू टू ही होगा, ये खुद है रिलेशन है। फिर देखते हैं वन फाइव है तो फाइव वन होना चाहिए, फाइव वन है, ढूंढो कहाँ है, फाइव वन है। वन टू दिया है तो टू वन होना चाहिए, टू वन है। वन फोर दिया तो फोर वन होना चाहिए, फोर वन है। समझ गए कि सिमेट्रिक रिलेशन क्या है। अगर ए रिलेटेड उस रिलेशन में जो एलिमेंट दिया, अगर ए रिलेटेड भी है तो बी रिलेटेड ए होना चाहिए, उसका उल्टा होना चाहिए। और ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है कि अगर ए रिलेटेड बी हो और फिर वहीं से स्टार्ट हो बी रिलेटेड सी, तो ए सी होना चाहिए। और उस रिलेशन में अगर एलिमेंट इस तरह से हो, ए रिलेटेड बी हो और फिर बी रिलेटेड सी हो, तो ए सी होना चाहिए। मान लीजिए सेट वन टू थ्री फोर दिया है, एक रिलेशन डिफाइंड है, जैसे वन थ्री फिर थ्री से स्टार्ट हो गया, वन थ्री थ्री फोर, तो वन फोर होना चाहिए। क्या करा है कॉन्सेप्ट थ्योरी, क्या ऐसा करा है, ए रिलेटेड बी है और वहीं बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड सी होगा तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव होगा। तो यहाँ वन थ्री थ्री फोर, तो मतलब वन फोर होना चाहिए, तो वन फोर इस रिलेशन में है, मतलब ये ट्रांजिटिव होगा। सेकेंड रिलेशन देखते हैं, टू थ्री दिया, थ्री वन दिया है, टू थ्री फिर थ्री से स्टार्ट हो गया थ्री वन, तो मतलब इसमें टू वन होना चाहिए, तो टू वन है, ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। थर्ड रिलेशन देखते हैं, वन थ्री, अब थ्री से ढूंढो कहाँ स्टार्ट है, थ्री टू, तो वन टू होना चाहिए, वन टू तो है। फिर उसके बाद टू फोर, फोर से स्टार्ट देखो कौन सा, टू फोर फोर थ्री, मतलब टू थ्री होना चाहिए, मतलब टू थ्री भी है, ये भी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन है। फोर्थ रिलेशन देखते हैं, वन थ्री थ्री फोर, तो वन फोर होना चाहिए, वन फोर है कहीं, वन थ्री फिर थ्री फोर, तो वन फोर इसमें है कहीं, नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। वो समझ गए कि ए रिलेटेड बी है और फिर बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड सी भी उसमें होना चाहिए, तभी वो रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आपने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिफ्लेक्सिव, उसमें क्या होना चाहिए, ए रिलेटेड ए होना चाहिए, यानी कोई सेट दिया उसमें जो जो एलिमेंट है कम से कम हर एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पे होना चाहिए। उसके बाद सिमेट्रिक, अगर ए रिलेटेड बी है तो बी रिलेटेड भी ए होना चाहिए, और ट्रांजिटिव, अगर ए रिलेटेड बी है या बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए। ओके, अब एक है इक्विवेलेंस रिलेशन कब होगा, ए रिलेशन आर इन ए सेट ए इज सेट टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन तभी होगा जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या कंडीशन है कि वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और ट्रांजिटिव हो, तभी वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ओके, टाइप्स ऑफ रिलेशन देख लिए, इक्विवेलेंस रिलेशन भी देख लिए कब होगा, जब वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होगा। अब फंक्शन स्टार्ट करते हैं, फंक्शन क्या है, ए फंक्शन इज ए रूल या मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी सच डेट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए डेट्स ए यूनिक इमेज इन सेट बी। क्या कर रहा है, अगर कोई एक फंक्शन है वो डिफाइंड है सेट ए टू सेट बी, तो सेट ए का जो एलिमेंट होगा उस सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए। क्या कर रहा है, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। दो कंडीशन है कि वो ए का सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए। यूनिक इमेज मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक का दो इमेज हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दें, इसे फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम ए टू बी, तो ए में चेक करना है ए का एलिमेंट कौन कौन है, वन टू थ्री, इसमें सभी का एलिमेंट का इमेज है, नहीं है, थ्री का तो नहीं बना है, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं। इसमें देखें, इसमें सभी एलिमेंट का इमेज बना है, वन टू थ्री फोर सभी का इमेज है, वन का ए है, टू का बी है, थ्री का बी है, फोर का डी है। तो फर्स्ट कंडीशन तो चेक कर लिए कि ये सारा एलिमेंट का इमेज हो और यूनिक इमेज हो, मतलब एक ऐसे वन का वन ही के ए के साथ है, ऐसा तो नहीं है वन का ए के साथ भी है और बी के साथ भी है, सबका यूनिक रिलेशन है, मतलब ये फंक्शन होगा। यहाँ देखें, सेट ए में वन टू थ्री, वन टू सेवन नाइन, इसमें एक एलिमेंट का इमेज तो है ही नहीं, ये तो फंक्शन होगा ही नहीं,
सबसे पहले देखना है कि उसमें सारा एलिमेंट का इमेज है कि नहीं, और सेकंड उसका यूनिक इमेज है कि नहीं। यूनिक इमेज मतलब एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए इसमें। टू तो छूट गया, टू किसी का इमेज ही नहीं, ये फंक्शन होगा ही नहीं। यहाँ देखते हैं, इसमें सारा एलिमेंट ए बी सी सभी का इमेज है और यूनिक इमेज भी है। ए के साथ डी है, बी के साथ भी डी है, ऐसा तो नहीं है ना, एक के साथ डी बी है और ए के साथ एफ बी है, एक एलिमेंट का दो इमेज, और ऐसा रहा तो फंक्शन नहीं है। यूनिक इमेज का मतलब यही है, भले यहाँ पे कोई भी एलिमेंट छूट जाए चलेगा, या यहाँ पे डी ए का भी इमेज है और बी का भी इमेज यहाँ चलेगा, मगर फंक्शन जब डिफाइंड हो ए टू बी है तो मतलब ए का एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए, ये फंक्शन है। यहाँ देखिए ए बी सी सारा एलिमेंट का इमेज है, ए का भी बी का भी सी का भी। फर्स्ट कंडीशन क्या चेक करना है, सारा एलिमेंट का इमेज होना चाहिए, यहाँ ए बी सी सब का इमेज है। फिर सेकेंड यूनिक इमेज है कि नहीं, ए का एक ही के साथ है, सी का एक ही के साथ है, मगर बी का जो है बी के साथ पी भी है और के भी है, तो नहीं यहाँ यूनिक इमेज तो नहीं होगा। बी का भी दो इमेज हो गया, पी भी हो गया, के भी हो गया, यूनिक इमेज तो नहीं होगा, ये फंक्शन नहीं होगा। यहाँ देखें 1 2 3 सभी का सभी एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज भी है, ऐसा तो नहीं ना 1 के साथ 4 भी है 5 भी है। भले यहाँ पे छूट जा रहा है, यहाँ बहुत इमेज है, 1 का भी इमेज 4 है, 2 का इमेज 4 है, 3 का भी 4 इमेज चलेगा। सिर्फ यहाँ इसमें याद रखना है, एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए, ये फंक्शन है। बस फंक्शन में कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर फंक्शन नहीं सॉरी बस मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन क्या है। फंक्शन एफ इज़ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे ए जो है इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ ए, ए जो है इसको बोलते हैं डोमेन ऑफ एफ, बी को कोडोमेन ऑफ एफ बोलते हैं, और रेंज जो बोलते हैं अगर कोई फंक्शन दिया, फंक्शन में डोमेन का वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आएगी उसको रेंज बोलते हैं। ले एग्जांपल एक सेट दिया है, सेट है उसमें एलिमेंट कौन कौन है 1 2 3 4, और सेट भी दिया है 1 4 9 16 25। अब फंक्शन दिया है, फंक्शन f इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी x बिलोंग्स टू a, ये सेट a दिया है। तो सबसे पहले इसने क्या निकालना है, को डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले सेट डिफाइंड है ए टू बी, तो यहाँ पे कौन कौन ए पुट एक बना लेते हैं मैपिंग। अब जब एक्स में 1 रखेंगे तो कितना होगा 4 आएगा, 1 के साथ 4। जब 2 रखेंगे तो 2 के साथ 4, 3 रखेंगे तो क्या आएगा 9, 4 रखेंगे तो 16। तो डोमेन तो समझते हैं कि ए टू बी, ये तो जो होता है डोमेन, ये होता है कोड डोमेन, तो डायरेक्ट लिख देंगे 1 2 3 4 जो कि डोमेन हो गया, बी जो हुआ कोड डोमेन हो गया, डायरेक्ट लिख दिया। मगर रेंज के लिए क्या है, डोमेन का जो एक एक वैल्यू इसे पुट करेंगे, 1 रखे तो 4 आया, 2 रखे तो 4 आया, 3 रखे तो 9 आया, 4 रखे तो 16 आया। रेंज के लिए उस फंक्शन में डोमेन का सही वैल्यू पुट करने पर जो वैल्यू आती है उसी रेंज बोलते हैं। ओके, अब टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन एक करना था फंक्शंस पे, एक मिनट बाद में देखेंगे। ओके, टाइप्स ऑफ फंक्शन देखते हैं। कोई फंक्शन दिया रहेगा, सबसे पहले ये चेक करना है कि वो फंक्शन 1-1 फंक्शन है या मेनी 1 फंक्शन। अगर वो 1-1 फंक्शन है तो वो ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन। अगर वो मेनी 1 फंक्शन है तो उसमें भी ऑन टू फंक्शन या इन टू फंक्शन, ये पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फंक्शन में। तो सबसे पहले 1-1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन देखते हैं। 1-1 फंक्शन क्या है, मैपिंग के थ्रू ही समझते हैं, या पढ़ लीजिएगा डिफिनेशन किताब में दे रखा है। मतलब फंक्शन डिफाइंड है एफ ए टू बी, तो ए का एलिमेंट कौन कौन है ए बी सी, और बी का एलिमेंट 1 2 3 4। तो 1-1 और मेनी 1 फंक्शन होने के लिए सबसे पहले तो ये चेक करना है कि वो फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, फंक्शन है कि नहीं। कोई फंक्शन है तभी उसका 1-1 फंक्शन और मेनी 1 फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें सारा एलिमेंट का ये इमेज है, एक भी एलिमेंट छूटा नहीं है और यूनिक इमेज भी है, ये फंक्शन होगा। अब ये चेक करना है कि 1-1 है या मेनी 1 फंक्शन है। तो सबसे पहले इसके लिए 1-1 का क्या कॉन्सेप्ट है कि हर एक एलिमेंट का यानी एक इमेज होना चाहिए, यानी ए के साथ ए का भी एक इमेज हो, बी का भी एक इमेज हो, सी का भी एक ही इमेज हो, यानी
बी में जो भी एक एलिमेंट हो उसका बहुत सारे एलिमेंट का खुद के साथ इमेज नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए सेट ए और सेट बी में, जो यहाँ पे टू जो है बी का भी इमेज भी है, सी का भी इमेज है, सिंगल इमेज होना चाहिए, सिंगल एलिमेंट का इमेज ही होना चाहिए। इसमें देखिए ए के साथ वन का इमेज है, बी के साथ टू का इमेज है, सी के साथ थ्री, सी का इमेज थ्री, बी का इमेज टू, सिंगल है ये भी। टू जो है सी का भी नहीं है ना ए का है, तो ये क्या वन ऑन फंक्शन हो गया। यहाँ पे देखें दो एलिमेंट का ये इमेज है टू, मगर सिंगल एलिमेंट का सिंगल इमेज ही होना चाहिए तभी वो वन ऑन फंक्शन होगा, नहीं तो मेनी वन फंक्शन होगा। तो यहाँ पे देखें टू जो है बी का भी है सी का भी है, मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। यहाँ पर सब सिंगल सिंगल है, वन ऑन फंक्शन, यहाँ भी सब सिंगल सिंगल है, ये वन ऑन फंक्शन होगा। यहाँ देखें वन टू थ्री फोर, ये फंक्शन है ही नहीं, ये फोर एलिमेंट का तो इमेज है ही नहीं, पहले फंक्शन चेक करेंगे। यहाँ देखिए फंक्शन है, यूनिक इमेज भी है, सब एलिमेंट का इमेज और यूनिक इमेज भी है। अब ये चेक करना है कि वन वन है या मेनी वन। तो देखिए के जो है सेवन और नाइन का इमेज है, मतलब सिंगल इमेज तो नहीं रहा, दो एलिमेंट का इमेज है, मतलब ये मेनी वन है। यहाँ देखें सभी एलिमेंट का इमेज है, यूनिक इमेज है, फंक्शन है। अब देखें सब सब अलग अलग, हर एलिमेंट का अलग अलग इमेज है, मतलब ये वन ऑन फंक्शन है। और ऑब्जेक्टिव में इस टाइप से पूछ देगा कि कौन 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 कैसा कंडीशन रहेगा कि वो वन वन फंक्शन होगा या मेनी वन फंक्शन होगा, और पूछ दे कि ये फंक्शन कोई फंक्शन जब वन वन होगा उसके लिए क्या कंडीशन। जब ऐसा लिखा रहा है एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू बराबर किसके हो, एक्स वन इक्वल्स टू एक्स टू, तब वो वन वन फंक्शन होगा। ये ऐसा लिख दे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स नॉट एफ ऑफ एक्स टू, सॉरी एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू, अगर एक्स वन और एक्स टू के बराबर नहीं हो तो वह मेनी वन फंक्शन है। ओके ऑब्जेक्टिव के लिए क्या है कंडीशन, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स टू करने पर अगर एक्स वन एक्स टू आ गया तो वो वन ऑन फंक्शन है, अगर एक्स वन नॉट एक्स टू आया तो वो मेनी वन फंक्शन है। बस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इस टाइप का पूछ देगा, कंडीशन दे देगा तो वन ऑन फंक्शन ही है मेनी वन फंक्शन। ओके अब ऑन टू फंक्शन और इन टू फंक्शन देखते हैं। ए फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी इज इमेज ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब कोई फंक्शन ए से बी डिफाइंड है तो ए का सारा एलिमेंट का सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। इसमें देखें ध्यान से देखें, इसमें कोर डोमेन में जो एलिमेंट है ना वो एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, सबसे पहले तो फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन है, फंक्शन कैसे बचाने, इसमें कोई भी एक एलिमेंट बचाने और यूनिक इमेज है, फंक्शन है। अब ये चेक करना है कि ऑन टू है इन टू, ऑन टू के लिए कि सेट बी में देखे यानी कोड डोमेन में देखे, इसमें कोई भी एक एलिमेंट तो बचा नहीं है ना, एक भी एलिमेंट बचा नहीं तो वो ऑन टू फंक्शन है, नहीं तो वो बच गया तो वो इन टू फंक्शन। जैसे यहाँ देखे मान लीजिए चलते फंक्शन है, सेट बी में देखे कोड डोमेन में देखे एक एलिमेंट थ्री बच गई है, इन टू फंक्शन है। तो कैसे पहचाना, अगर कोड डोमेन अगर रेंज के बराबर हो गया तो वो ऑन टू फंक्शन है, अगर कोड डोमेन रेंज के बराबर नहीं है तो इन टू फंक्शन। मान लीजिए चलते ही सब पूरा फंक्शन दिया है, फंक्शन दिया है, देखिए यहाँ पे कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट बचा मतलब ऑन टू फंक्शन है, इसमें एक बच गया मतलब ये इन टू फंक्शन है, इसमें एक भी नहीं बचा ऑन टू फंक्शन है, इसमें एक बचा मतलब ये इन टू फंक्शन है। तो सबसे पहले चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं, चेक करने के बाद तुरंत चेक कर लेंगे कोड डोमेन में एक भी एलिमेंट नहीं बचा है मतलब वो कोड ऑन टू फंक्शन, और नहीं एक भी एलिमेंट छूट गया तो वो इन टू फंक्शन। ओके अब ये क्वेश्चन करते हैं, इसमें आपको समझ आएगा पूरा कि फंक्शन है या नहीं, अगर फंक्शन है तो वन ऑन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, अगर वो वन वन फंक्शन है तो उसमें ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन है, अगर मेनी वन फंक्शन है तो उसमें ऑन टू फंक्शन है या इन टू फंक्शन, इसमें सीधा समझ में आ जाएगा। तो मान लो फंक्शन दिया है सेट ए टू बी, तो इससे सबसे पहले ये चेक करना है कि फंक्शन है कि नहीं। तो देखिए इसमें जितना भी एलिमेंट है सब का इमेज है और यूनिक इमेज भी है। फंक्शन के लिए सबसे दो कंडीशन, सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए, तो है जो फंक्शन है ये फंक्शन है। अब चेक करना है कि ये मेनी वन है या वन वन फंक्शन है, तो मेनी वन और वन वन के लिए क्या कंडीशन है, देखिए
इसमें जो है वन जो है ए का भी इमेज है, बी का भी इमेज है और सी का भी इमेज है, मतलब ये मेन वन हुआ। वन वन के लिए क्या है, सब एलिमेंट का अलग अलग इमेज होना चाहिए, तो ये मेन वन है। अब इन टू या ऑन टू है, तो देखिए ऑन टू या इन टू देखने के लिए कोड डोमेन को देखना पड़ता है। कोड डोमेन में मतलब एक भी एलिमेंट अगर बच गया तो वह इन टू, अगर एक भी एलिमेंट बचा नहीं हो ऑन टू हुआ, तो ये टू थ्री बच ही गया है, ये इन टू फंक्शन है। इसमें देखें, इसमें देखें अब ए बी सी ये फंक्शन है कि नहीं, सारे एलिमेंट का इमेज है और यूनिक इमेज भी है, ये फंक्शन तो है, ये फंक्शन है। अब ये चेक करना है मेन वन फंक्शन है या वन वन फंक्शन है। तो मेन वन वन के देखने के लिए क्या देखना पड़ता है कि अगर सिंगल हर एक एलिमेंट का एक अलग इमेज हो, यहाँ पर देखिए वन जो है ए का भी इमेज है और बी का भी इमेज है, मतलब इमेज तो सिंगल एलिमेंट का नहीं हुआ, वन जो हो गया ए का भी है बी का भी है, मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन है आप ऑन टू या इन टू फंक्शन है चेक करने के लिए कोड डोमेन में देखें। इसमें दो एलिमेंट तो एक एलिमेंट तो बचे गया थ्री, मतलब ये इन टू फंक्शन है, अगर नहीं बचा रहता तो ऑन टू फंक्शन। जैसे यहाँ देखें ए बी सी, ए बी सी ये फंक्शन है कि नहीं, बी और सी इमेज है, ए का कोई इमेज है ही नहीं, मतलब ये फंक्शन है ही नहीं, सॉरी क्लियर दिख नहीं रहा है। यहाँ पे देखें ए बी सी, ए का इमेज वन है बी, मतलब यहाँ पे देखें सबसे पहले सारा एलिमेंट का तो इमेज है ही नहीं, तो फंक्शन होगा ही नहीं। इसमें देखें सारा एलिमेंट का इमेज तो है, यूनिक इमेज भी है, मतलब फंक्शन है। और देखें मेनी वन फंक्शन या वन वन फंक्शन है, तो सब एलिमेंट का एक अलग अलग ही इमेज है, ऐसा तो नहीं ना वन जो है ए का भी बी का भी इमेज हो, ऐसा तो नहीं है, सबका अलग अलग है, मतलब ये वन वन फंक्शन है। अब वन टू है इन टू चेक करने के लिए कोड डोमेन को देखना पड़ता है। कोड डोमेन में अगर एक भी एलिमेंट नहीं बचा है तो ऑन टू फंक्शन, अगर एक भी एलिमेंट बच जाता है तो वह इन टू फंक्शन होता है। अब यहाँ देखें ये एक फंक्शन है या कि नहीं, सभी एलिमेंट का इमेज है, यूनिक रिलेशन भी है, यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन है। मेनी वन या वन वन है, यहाँ ध्यान दें तो वन जो है ए का भी इमेज है और सी का भी इमेज है, तो मेनी वन इमेज हो गया, मेनी वन फंक्शन हो गया। मेनी वन है तो ऑन टू है इन टू है, तो देखें यहाँ पे कोड डोमेन में अगर एक भी एलिमेंट बचा है तो वो इन टू फंक्शन है, टू तो बचा है तो इन टू फंक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया कि फंक्शन क्या है, कैसे पहचानते हैं, उसके लिए दो दो कंडीशन है कि सभी एलिमेंट का इमेज होना चाहिए और यूनिक इमेज होना चाहिए, उसके बाद वो फंक्शन वन वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है, इसके लिए क्या है चेक करते हैं कि इमेज जो देखते हैं, जो इमेज बनाया है वो सब एलिमेंट का अलग अलग इमेज है कि नहीं, बहुत सारे एलिमेंट का अलग अलग खुद इमेज है कि नहीं। यहाँ देखें वन जो है एक का भी इमेज है, बी का भी, सी का भी इमेज है, ये मेनी वन फंक्शन हो गया। खुद यहाँ पे देखें सबका सिंगल सिंगल है, एक का टू है, बी का थ्री है, सी का वन है, ये वन वन फंक्शन है। और वन टू इन टू फंक्शन पहचानने के लिए कोड डोमेन में एलिमेंट को देखते हैं, अगर उसमें एक भी एलिमेंट बच गया तो मतलब टू थ्री बच गया, मतलब ये इन टू फंक्शन है, और एक भी एलिमेंट नहीं बचा तो वो ऑन टू फंक्शन है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब कंपोजिट फंक्शन स्टार्ट करते हैं। दिया है फंक्शन एफ और फंक्शन जी, फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी और फंक्शन जी बी टू सी। जब ये दोनों का कंपोजिशन करेंगे एफ ऑफ जी एंड जी में, मतलब एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ, ये जो होता है ना एक कंपोजिशन फंक्शन है। एक क्वेश्चन लेकर सीधे समझते हैं क्या है। दो फंक्शन दिया है, फंक्शन एफ और जी, दोनों डिफाइंड है आर टू आर। एफ जो दिया एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स प्लस वन और जी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस टू। तो क्या निकालना है, कंपोजिशन फंक्शन मतलब जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी दोनों निकालना है। तो सबसे पहले देखते हैं जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ लिखा मतलब जी एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एफ को कैसे लिख देना है, जी एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का वैल्यू क्या है, टू एक्स प्लस वन, तो एफ एक्स की जगह रख दिया टू एक्स प्लस वन, तो क्या हो गया जी ऑफ टू एक्स प्लस वन। तो जी का फंक्शन देखें, जी का फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू जी का फंक्शन है, तो जी का फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है, टू एक्स प्लस वन, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, मतलब एक्स टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर,
एक्स स्क्वायर मतलब एक्स की जगह क्या पुट करना है, फंक्शन जी मैंने एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो एक्स की जगह टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर माइनस टू, तो टू एक्स प्लस वन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो पूरा सॉल्व किया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी सॉल्व करके कितना आया, फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स माइनस वन। अब एफ ऑफ जी निकालते हैं, एफ ऑफ जी लिखा है मतलब कैसे लिखना है उसको, एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स का क्या वैल्यू यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वन, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू, जी एक्स की जगह क्या रख दिए एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब फंक्शन एफ की बात हो रही है, तो फंक्शन एफ क्या है, टू एक्स प्लस वन, टू एक्स प्लस वन, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या पुट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस टू, तो टू एक्स, टू एक्स की जगह एक्स स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, इसको सॉल्व किया टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। तो समझ गए एफ ऑफ जी कैसे निकालना है और जी ऑफ एफ कैसे निकालना है, जब दो फंक्शन दिया रहे, जब दो फंक्शन दिया रहे उसका कैसे जी ऑफ एफ या एफ ऑफ जी निकालती है, एग्जाम में अक्सर पूछता है। अगर यही पूछ दे कि दो फंक्शन दिया है और प्रूफ करे कि एफ ऑफ जी इक्वल्स नॉट जी ऑफ एफ, बराबर नहीं है, एफ ऑफ जी कुछ और निकला है, जी ऑफ एफ कुछ और निकला। सब्जेक्टिव में ऐसे पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में दो फंक्शन दे दिया, कोई एक पूछ देगा जी ऑफ एफ क्या होगा या एफ ऑफ जी क्या होगा। तो अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ लें, तो एक और क्वेश्चन करते हैं कि दो फंक्शन दिया है, एफ दिया भी आर जी दोनों आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन, जी ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहले जी ऑफ एफ निकालते हैं, जी ऑफ एफ का मतलब क्या है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो एक्स की जगह क्या पुट करना है, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन, तो जी में एक्स स्क्वायर फंक्शन ही है, इसमें एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट कर दिया, एक्स प्लस वन का स्क्वायर होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सॉल्व किया इतना आया। अब एफ ऑफ जी देखते हैं, एफ ऑफ जी लिखा मतलब एफ ऑफ जी एक्स, तो जी एक्स की जगह क्या पुट करना है, जी एक्स एक्स स्क्वायर, और फंक्शन एफ की बात है तो फंक्शन एक्स प्लस वन, यानी एक्स की जगह जहाँ जाए वहाँ पे एक्स स्क्वायर पुट करना है, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर ही पुट किया, सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाहता हूँ, कॉम्पोजिट फंक्शन मतलब जब दो फंक्शन दे दें एफ और जी, जब उसी का दोनों फंक्शन को एकदम जोड़ दे, एफ ऑफ जी या जी ऑफ एफ पूछे कैसे निकालना है, ये मैसे याद रखे है, जी ऑफ एफ का मतलब जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी का मतलब एफ ऑफ जी एक्स, जी एक्स जी एक्स के लिए वैल्यू पुट कर दें, फिर उस फंक्शन में वैसे पुट करके पूरा कर दें। आई होप समझ गए, आई होप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्या समझाना चाह रहे हैं। ओके अब इनवर्स फंक्शन देखते हैं, इनवर्स फंक्शन क्या है, इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आता है, मान लें कि ऐसा तो क्वेश्चन आपने देखा होगा कि एक फंक्शन दे दिया है टू एक्स प्लस थ्री, इसका इनवर्स क्या होगा, या फिर क्वेश्चन दे देगा फोर एक्स इक्वल्स टू फोर एक्स माइनस थ्री, इसका इनवर्स क्या होगा। तो यहाँ पे एक ट्रिक बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है एग्जाम में, अक्सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100% किया आएगा इससे, जब भी एक फंक्शन दे देगा जैसे यहाँ फंक्शन दिया है टू एक्स प्लस थ्री, तो इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं याद रखें, जैसे यहाँ पहले टू एक्स प्लस थ्री, तो सबसे पहले देखें यहाँ पे एक्स का कॉफी एक्स लिख देंगे, सबसे पहले एक्स और उससे कोफिशेंट से डिवाइड कर देंगे, और कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है प्लस थ्री है, तो इसका प्लस थ्री है तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव है तो प्लस, यहाँ तो प्लस थ्री है तो माइनस थ्री। ट्रिक क्या याद रखना है, जैसे टू एक्स प्लस थ्री दिया है, सबसे पहले एक्स लिख देंगे, उसका कोफिशेंट उसको डिवाइड कर देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म है और पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ तो पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव। अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं कि फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स माइनस थ्री, तो इसका इनवर्स क्या होगा। सबसे पहले क्या याद रखना है, फर्स्ट स्टेप क्या है कि एक्स लिखेंगे और एक्स का जो कोफिशेंट है उससे डिवाइड करेंगे, तो फोर एक्स है तो एक्स लिखे, एक्स का कोफिशेंट से डिवाइड कर दिए, यहाँ पर माइनस थ्री है, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है माइनस थ्री, तो इसका उल्टा लिखना है माइनस थ्री है तो प्लस थ्री, इसका ये इन्वर्स हो गया। अब मान ले थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है, सेवन एक्स माइनस थ्री नाइन, सेवन एक्स माइनस नाइन, इसका इन्वर्स क्या हुआ, तो सबसे पहले क्या एक्स लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म जो है उसका नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव प्लस नाइन, एक्स प्लस नाइन सेवन, एक्स प्लस थ्री फोर
समझ गए, कोई भी इन्वर्स का क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है। जब भी कोई फंक्शन दे दे तो सबसे पहला स्टेप याद रखना, वो एक्स लिख देंगे और उसका कोएफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, और जो कांस्टेंट टर्म होगा अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ओके, टाइम नहीं इसलिए मैं क्वेश्चन के थ्रू कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। अब बाइनरी ऑपरेशन से किस टाइप का क्वेश्चन आता है, इसमें बेसिक दो टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। ए स्टार बी देखकर कोई भी रूल दे देगा, जैसे यहाँ पे ए स्टार बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन। अब इसको टू स्टार थ्री कैसे निकालते हैं, तो ए स्टार बी दिया इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन, तो यहाँ पे ए इक्वल्स टू टू बी इक्वल्स टू थ्री, जैसे ऐसा रूल दिया है तो ए की जगह ए स्क्वायर बी सब जगह पुट कर देंगे इतना आ जाएगा। कुछ भी रूल दे सकता है यहाँ पे, देखो ए स्टार बी का रूल क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वन, तो ए स्टार बी पूछ रहा टू स्टार थ्री क्या हुआ, तो ए की जगह टू पुट करेंगे बी की जगह थ्री पुट कर दिया, कितना आया 20। और इस टाइप का क्वेश्चन दे दे टू स्टार थ्री फिर उसके बाद स्टार फोर, तो सबसे पहले यहाँ मतलब यही क्वेश्चन है ए स्टार बी को फॉलो करते हुए, ए स्टार बी दे दिया ये और क्वेश्चन पूछा है टू स्टार थ्री स्टार फोर, तो सबसे पहले टू स्टार थ्री निकालेंगे, ये टू स्टार थ्री एक ही जगह टू और बी की जगह थ्री पुट करके 20 निकाल लिया। अब जो ये क्या है 20 स्टार फोर, तो फिर यहाँ पे एक क्या लेना है ए 20 बी फोर, और इसे पुट कर देंगे जो रूल दिया है पुट करके इतना सॉल्व कर लेना। समझ गए, फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है कि एक ए स्टार बी उसका रूल दे देगा, तो टू स्टार थ्री क्या हुआ, तो जहाँ यहाँ पे जो पहला ए है तो ए का वैल्यू क्या हो गया टू और बी है तो थ्री पुट कर देंगे डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन पूछता है, मान ले कोई एक सेट दिया है, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है ए बी सी, तो पूछता है कि इस सेट में कितना टोटल बाइनरी ऑपरेशन होगा, तो इसका एक फॉर्मूला है उसके थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लो कोई एक सेट दिया है, सेट ए इसके अंदर एलिमेंट है एक्स वाई, स्मॉल एन ए और कैपिटल ए लिखा, मतलब एन ए का मतलब क्या है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है एक्स वाई है, मतलब दो ही एलिमेंट है ना एक्स और वाई टू लिख देंगे, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा, फॉर्मूला है एन ए और एन ए का स्क्वायर, एन ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए जो लिख देंगे और फिर उसी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, कोई भी सेट दिया उस पर टोटल कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा। सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे, मान लीजिए क्वेश्चन दिया है सेट ए 3 4 है, तो इसमें टोटल कितना बाइनरी ऑपरेशन होगा, सबसे पहले नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा 3 4 दो ही एलिमेंट है एन ए टू, ऐसे पुट कर दे इसमें तो एन ए और फिर एन ए का स्क्वायर, एन ए यहाँ पे 2 है फिर 2 और फिर 2 का स्क्वायर, तो 2 2 पावर 4 2 × 2 × 2 × 2 16। इसे थर्ड क्वेश्चन का सेट, मान लीजिए यही क्वेश्चन है दिया है सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है ए बी सी, टोटल एलिमेंट कितना हुआ 3, बस इसी का तो है एन ए यानी 3 फिर 3 फिर 3 का स्क्वायर, तो 3×9 3×9 ये आंसर हो गया। ओके समझ गया हमें, मैंने अभी इन्वर्स फंक्शन ऑफ बाइनरी ऑपरेशन को मैंने क्वेश्चन के थ्रू बताया, इस एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आता है कैसे सॉल्व करना है ट्रिक से, वैसे ही इन्वर्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन से ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन पूछता है, तो कैसे सॉल्व करना है ऐसे ही एक रूल दे देगा, रूल को फॉलो करते हुए और सेट दिया उसका टोटल बाइनरी ऑपरेशन कितना होगा। और ओके बहुत बड़ा लंबा वीडियो, बस आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट वीडियो।